MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे विश्वशांती केंद्र, माईस MIT शिक्षण संस्था समूह पुणे आणि भारत अस्मिता फाउंडेशन पुणे यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या 9व्या राष्ट्रधर्म पोषक दादाराव कराड राज्यस्तरीय पुरस्काराच्या प्रदान समारंभी प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता त्यावर भाष्य करत आपले विचार मांडलेत. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान होऊ न देता शांततेच्या मार्गाने आंदोलन होणे गरजेचे असून हे शिक्षण विद्यार्थ्यांना विद्यापीठामधून देणे गरजेचे आहे. जेव्हा मी एक दुसऱ्याची गोष्ट मान्य करू तेव्हाच या विश्वात शांतता निर्माण होईल असे विचार राज्यपालांनी व्यक्त केलेत. तर यावेळी पुण्याचे महापौर मुस्लिम मोहळ हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड हे होते. या प्रसंगी सुप्रसिद्ध संगणक तज्ञ पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड, MIT आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश कराड आणि MIT WP चे कुलगुरू डॉक्टर NT राव हे उपस्थित होते. यावेळी अनेक मान्यवरांचा विशेष सन्मान करण्यात आलाय आणि यावेळेस राष्ट्रधर्म पूषण दादाराव कराड नवरत्न परिचय पुस्तकाचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलंय. राहुल को भी बधाई देता हूं कि उसने नवरत्न खोज लिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. जो काम इन्होंने किया है ये बड़ा कठिन काम है. मैं एक ही रत्न नहीं खोज पाता हूँ, ये नौ रत्न खोज लिए. नाम का महामहिम एक भी रत्न खोज नहीं पाता और ये नौ रत्न खोज लिए, तो मैं इनको हृदय के अंतरतम से इनका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ. अब वर्ल्ड पीस, ये हम लोग युगों युगों से ओम शांति 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 कितने हजारों साल से लाखों साल से बोलते आ रहे हैं. हर मंत्र में हमारा द्यौ शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष गौ शांति, क्या क्या सब बोलते हैं. कोई भी शांति पाठ के बिना हमारा काम पूरा नहीं होता है. फिर भी शांति है क्या? इसलिए मैं इनको थोड़ा टालता रहा. मैंने कहा ये वर्ल्ड पीस बोल रहे हैं और पूज्य दादा राव कराड के नाम से इन्होंने इतना सब काम शुरू किया है और विश्वनाथ जी ने पूरी सारी तपस्या लगा दी है, और उस सारी तपस्या के बाद भी आज वो ईरान और अमेरिका में धकड़म धकड़म हो रही है और जाने कहाँ होता रहता है. तो मूलतः मैं इसलिए ये शब्द आपको लिया, ये बहुत अच्छा ध्येय लेके चल रहे हैं. ये भारतवर्ष ही ऐसा है जो विश्व शांति की सोच सकता है. समाजामध्ये पत्रकारिता असेल, सामाजिक कार्य असेल, शेतीच्या माध्यमातून करणारं काम असेल, क्रीडा माध्यमातून केलेलं काम असेल किंवा पत्रकारितामध्ये असेल, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करणाऱ्या राज्यस्तरीय वेगवेगळ्या भागातून राज्यातून अनेक मंडळींची निवड केली जाते आणि त्यांना आज या ठिकाणी त्यांचा गौरव केला जातो. या सर्व पुरस्कारार्थ्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करीन. नालंदा विक्रमशिला से कई विद्यापीठ, सब दुनिया में कभी सोचा भी नहीं था उस टाइम ये विद्यापीठ तैयार हुए. तो एक ज़रूरत है कि आज दुनिया में कई विद्यापीठ है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते, लेकिन देश की परंपरा रही है सिर्फ विद्यापीठ नहीं, विद्या कई विद्या है, 14 विद्या 64 कला है, लेकिन ये विद्यापीठ संस्कार पीठ होनी चाहिए. ये विद्यापीठ संस्कार, और कराड सर की, मेरे बड़े भाई, और मुझे लगा कि एक प्रकार की जो प्रथा एक विद्यापीठ के मार्फत तैयार की है, जैसे कि हमें एक वर्ल्ड पीस प्रेयर कई आप देख हम देख रहे हैं, एक संस्कार पीठ तैयार करने की हमारी कोशिश. टॉक अबाउट प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, विश्व शांति की बात है, मानवता की बात है, सहिष्णुता की बात है, ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है. ये पूरा जिसे वैश्विक भारतीय संस्कृति बोला जाता है. अभी जिन महानुभावों का सम्मान हुआ देहातों से आए लोग हैं, ये गरीब है, फार्मर्स है, ऑर्डनरी पीपल है वैसे, लेकिन बहुत सुंदर काम किया है जिनका उच्चारण राहुल ने किया. ये वैश्विक भारतीय संस्कृति है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये सिद्धांत है, ज्ञानमयो विज्ञानमयो, ऐसी एक दूसरी बड़ी संधि, बड़ा उच्चारण इस धरती में हुआ. और अभी वक्त आ गया है
कि हमारी भारत माता इस शताब्दी में विश्वगुरु के रूप में दुनिया में उभर आएगी और ज्ञान का दालन बोल के दुनिया को रास्ता दिखाए, सुख समाधान शांति का।